अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू हमारी सेहत चैनल। तो आज का जो स्पेशल व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी और इसमें मैं आपको दो तीन टिप्स भी दिखाऊंगी बताऊंगी, बहुत ही मज़े की हैं। और इस वीडियो को ना जो आपने लास्ट तक वॉच करना है, और प्लीज़ काइंडली जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है ना, जिसने अभी तक मेरे चैनल को फेसबुक से जो कोई देखता है ना, उसको फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो भी वहाँ से कर दिया करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर और फॉलो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब, ये व्लॉग मैंने सुबह के टाइम से स्टार्ट किया था। सुबह के टाइम ये अचानक ही मैंने बनाया, थोड़ा सा हमने किया सुबह नानचने का नाश्ता, क्योंकि घर में मैं और हस्बैंड अकेले होते हैं, तो मतलब कि बच्चे स्कूल वगैरह चल जाते हैं तो उसके बाद हम फ्री होते हैं। तो हमने सोचा कि आज नानचने का नाश्ता किया जाए, क्योंकि मौसम जो था ना वो बहुत बहुत ज़्यादा था, ठंडा और कूल और मज़े का था। तो जनाब, यहाँ पर ना मैंने हम सुबह नानचने का नाश्ता किया, फिर दोपहर के लंच का टाइम था तो सोचा क्या हो ना, आज ऐसे मैं छत पे गई तो जब मैंने देखा कि मौसम इतना खूबसूरत है और कुछ सामने वाले घर से, पता नहीं साइड वाले घर से बड़ी ज़बरदस्त ना फ्राई की स्मेल आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त कुछ फ्राई हो रहा था, तो मेरे मुँह में पानी सा आया कि यार कुछ मौसम के हिसाब से, तो पहली बारिश है सर्दियों की और मौसम भी ठंडा है तो कुछ फ्राई ही अच्छा लगेगा लंच में। तो बट यहाँ पर सुबह नानचने का नाश्ता किया, तो अगर मैं हस्बैंड से कहती कि मुझे ना वो बाज़ार से कुछ ला दें समोसे वगैरह या कोई चीज़ फ्राई के लिए बच्चों के लिए, तो वो कभी भी नहीं मानते। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि यार क्या किया जाए, क्या बनाया जाए जो अच्छा सा मतलब बच्चों को भी लंच मिल जाए और मज़ा भी आ जाए, कुछ फ्राई सा बनना चाहिए आज। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने निकाला फ्रिज में, देखा तो जब मुझे वहाँ पर चिकन नज़र आया बोनलेस, मैंने चिकन निकाला, चिकन और आलू को मैंने उबलने के लिए रखा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि खुद बनाए जाएँ समोसे घर में, और बना भी काफ़ी सारे लिए जाएँ उन बच्चों के हस्बैंड के आने से पहले। पहले मैंने यहाँ पर लंच में ना समोसों की तैयारी करनी, तो ये सोचा कि इसके साथ इसमें आपके साथ भी एक रेसिपी शेयर हो जाएगी और मेरा भी लंच बन जाएगा। तो बट यहाँ पर ना मैंने फिर बच्चों के लिए ना समोसे वगैरह बनाए, मैदा वगैरह मैंने मंगवाया यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि समोसे वगैरह बनाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप समोसे बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल यूज़ मत किया करें, घी यूज़ किया करें। यहाँ पर मेरे पास जो था ना घी अवेलेबल नहीं था, हम लोग ऑयल ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने देसी घी इसमें डाल लिया समोसों में। इससे यह है कि समोसों में जब ना वो ऑयल की जगह घी डालते हैं ना, तो वो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उसका ना वो बनता है डो उसकी मैदे की भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ना मैदे में डाल के ना नमक, ज़ीरा का ज़ीरा पाउडर, मेरे पास साबा ज़ीरा नहीं था, अगर आपके पास साबा ज़ीरा हो तो वेल एंड गुड। यहाँ पर मैंने डाला नमक और ज़ीरा और साथ में मैंने डाल दिया घी, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल पानी के साथ गूंथ लिया। हस्बैंड को मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ ना कि आते हुए समोसे ले आना, बच्चों को लेते आएंगे जब, तो उन्होंने यकीनन मुझे बोलना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही बनाए जाएं, गर्मी और अच्छे बनेंगे और सस्ते भी बनेंगे और बन भी काफ़ी सारे जाएंगे, क्योंकि बाजार से जो समोसे हैं फिर वो से बत नहीं सही लगते, मतलब बहुत अच्छे लिए जाएंगे, यहाँ पर जो नॉर्मल वगैरह मिलते हैं वो इतने खास टेस्टफुल नहीं होते। नहीं, ये देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ और मेरा तरीका कैसे और आपका तरीका कैसे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से समोसे वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, हर कोई इसे घर में बना लेता है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। बट जो है ना तरीका हमारा होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर किसी का। तो मैं यहाँ पर समोसों की जो बनाती हूँ अंदर से मटेरियल, उसमें भी मैं सारी वेजिटेबल्स जो कुछ भी हो मेरे पास, मतलब कि मैं डालती हूँ, सिर्फ आलू वगैरह नहीं डालती, चिकन वगैरह ही नहीं डालती ना, मैं उनको रोस्ट करती हूँ। मैं सिंपल ही मैंने आलू और चिकन को बॉईल करना होता है, और यहाँ पर मैंने आलू में प्याज और शिमला सॉरी डाल देनी होती है ये ग्रीन चिली, और अगर आपके पास बंद गोभी मिल जाए ना मुझे तो मैं वो भी डाल देती हूँ, बट यहाँ पर मेरे पास थी नहीं तो मुझे ला के देने वाला भी कोई नहीं था, तो मुझे लंच भी तैयार करना था बच्चों के आने से पहले पहले, तो बस जो चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल होती हैं तो मैं उन्हीं के साथ ही कर लेती हूँ। बट आप मुझे बताइएगा कि कभी आपने कैसे कैसे समोसे बनाए हैं, किस तरह की आपने कचौरियाँ समोसे बनाए हैं, और आप लोगों को किस तरह के पसंद हैं, आलू वाले, चिकन वाले, या फिर वो वेजिटेबल वाले, या फिर डिफरेंट जो चीज़ी समोसा भी चलते हैं बहुत मज़े के चलते हैं, आप लोगों को किस तरह के पसंद है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगी उस तरह के बनाने की भी। मुझे भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और लंच में डिनर में मतलब कि डिफरेंट चीज़ें हों तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर ना जरा मैंने मीठी चटनी जो थी ना आलू बुखारे की, वो मैंने खुबानी की मैंने वो नहीं बनाई, तो यहाँ पर मेरे पास इमली की और टमाटो की कैचअप पड़ी होती है, तो मैंने यहाँ पर इमली की जो कैचअप थी ना वो सॉस निकाली और उसमें मैंने थोड़ी और एक्स्ट्रा शुगर जो है ना वो ऐड कर दी, मैंने एक्स्ट्रा और ऐड कर दी ताकि चटनी जो है ना हमारी और ज़्यादा मीठी हो जाए, और समोसों के साथ जो है ना मीठी चटनी वो बहुत ही मज़े की लगती है, समोसों के साथ मीठी चटनी हो, दही की चटनी हो, बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जो मैंने प्याज और मिर्चों का मटेरियल में मिर्चें वगैरह मिक्स की हुई थी, नमक मिर्च जो आप जिस हिसाब से डालते हैं, यहाँ पर मेरी आप लोगों को लग रहा होगा कि जो रेड चिली है वो मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी है, बट यहाँ पर जो मेरी चिली है ना वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, पता नहीं ये हस्बैंड किस तरह की ले आए हैं, मुझे खास इतनी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है तब जाके थोड़ा टेस्ट आता है।
यहाँ पर मैंने जो समोसों के ऊपर डालते हैं सलाद, मोस्ट फेवरेट मेरा जो लाजमी होता है, जो मैक्सिमम बाजार से नहीं मिलता, तो मैंने वो भी साथ डाल दिया और चटनी भी मैंने रेडी करके रख ली। इन दोनों चीज़ों को मैंने साइड पे कर दिया। खैर मौसम ठंडा है तो अब ये है कि बार बार फ्रिज में नहीं रखना पड़ता चीज़ें, वहीं पर ही हम किचन में एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने वो चीज़ें बनाई, साथ में मैंने फिर के था कि टाइम भी अब कम है तो मैंने बच्चों के लिए साथ ही समोसे वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, आप लोग ना अपने जो समोसे हैं, कुछ लोग बनाते हैं डबल पट्टी वाला समोसा, भी मैंने देखा था कि मतलब बना के ना ऐसे पट्टी वगैरह दो चपातियाँ बना के दरमियान में ना वो मैदा और जो है ऑयल लगा के ना उसके ऊपर एक और चपाती रखे, फिर उसकी डो बना के ना मतलब डबल उस तरह के भी समोसे बनाते हैं, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। बट इससे फिर ये है ना कि जब हम इसमें सारा कुछ इसमें ही ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट रह जाता है कि ज़्यादा डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब कि ज़्यादा से पट्टी बनाओ, फिर ऊपर लगाओ, फिर पट्टी लगाओ, मतलब मटीरियल वगैरह लगा के। तो यह है कि इससे सिंपल सा मैंने क्या किया है कि इनकी ना वो चपातियाँ तैयार कर ली हैं और साथ में मैंने बेल बेल के सारी रख दी हैं यहाँ पर, और इसमें जो ज़ीरा डालते हैं वो बहुत ही मज़े का लगता है। और आप लोगों के बच्चों को क्या फ्राइज पसंद हैं या समोसे वगैरह पसंद हैं, रोल पसंद हैं, मतलब क्या चीज़ पसंद है, वो किस तरह के खाना पसंद करती हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा नहीं करते, नखरे हादी तो बिल्कुल नहीं करता, और अली का है थोड़ा इशू कि वो बस खाने में आनाकानी करता रहता है कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मेरा पेट नहीं मतलब नहीं है गंजाइश अंदर। तो वो छोटी सी उसकी वैली है तो वो बहुत थोड़ा सा खाता है। बट यहाँ पर फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा खुले हाथ से बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा तकरीबन मेरे तकरीबन ना यहाँ पर 16 से 18 के करीब मेरे ख्याल समोसे बन गए थे यहाँ पर। तो मैंने सारे समोसों को ऐसे बना कर रख लिया था, मेरा माइंड में था कि चलो नेक्स्ट डे जो है ना वो बच्चों को स्कूल में लंच के लिए भी दे दूँगी, क्योंकि बच्चे आज ना कुछ लंच में हैवी भी नहीं लेके गए थे। तो जब बच्चे हैवी लंच में नहीं लेके जाते तो मुझे उनके लिए दोपहर को ना टाइम पर ही खाना तैयार करना पड़ता है, वो 1-1.5 बजे के करीब तक ना 1:15 बजे तक आ जाते हैं, और उन्होंने आते ही पहले ना जो होता है खाने के लिए हमारे बस हो कुछ, क्योंकि जब वो ना लेके जाएँ तो उनको बहुत भूख लग जाती है। जब वो लंच लेके जाएँ, कोई अच्छा सा लंच बना दूँ, कोई सैंडविच वगैरह, कोई समोसे या कोई रोल वगैरह, कोई चपाती पराठा, कोई भी चीज़ ऐसे मतलब हैवी लंच हो तो उनका फिर वो आके इतना नहीं करते, लेकिन जिस दिन ना बना हो तो वो आते ही बस बैग रखते साथ ही भूख भूख के ना नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो मैंने मुझे पता था कि आज उनके पास कुछ था नहीं तो वो बस बिस्किट वगैरह और लेज वगैरह ले गए थे केक पैकेट, तो सोचा कि आज उनके लिए अच्छा सा लंच बना जाए। मौसम भी बड़ा मज़े का था, खुद भी मेरा बहुत दिल कर रहा था। फिर यहाँ पर मैंने खुले हाथ से काफ़ी सारे समोसे बनाए और इनको फ्राई किया ताकि बच्चों के आने से पहले पहले सारा लंच मेरा जो है ना वो रेडी हो जाए और मैं टेबल लगा दूँ उनके आने से पहले, जब वो आएँ और जल्दी से कपड़े चेंज करके तो अपना मतलब कि नाश्ता लंच वगैरह कर लें। तो यहाँ पर मैंने इनको ना फ्राई किया। अच्छा, हम ना जब फ्राई करते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं तो वो ऊपर से तो बहुत जल्दी ना उनकी जो पट्टी है वो मतलब हो जाती है, तो अगर जब हमारी घी वाली पट्टी हो, थोड़ी मोटी पट्टी हो, तो वो अंदर तक वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं आता उसमें। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टफुल खस्ता से बनेंगे। तो यहाँ पर जो था ना, मुझे तो भूख भी लग गई थी और फ्राई चीज़ हो तो बस फिर दिल करता है खाने को, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा समोसा खाया था, बट फिर सोचा कि आपको भी दिखाऊं कि कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं। ऊपर से भी देखें, जब घी, अच्छा हम घी यूज़ करते हैं ना डो में, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ऑयल की नस्बत अगर आप घी वाला बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के बनेंगे फ्राई, बेशक फिर आप इसको ना जो है ऑयल में ही कर लें। तो खैर यहाँ पर ना मेरे जब बच्चे आए तो मैंने बच्चों के आने से पहले लंच लगा दिया था, और बस बच्चों की तो खुशी जो थी ना वो देखने लायक थी कि अच्छा चलें ठीक है, रोटी खाने से ये लोग बनाते हैं कि रोटी ना हो बाकी ये चीज़ें हों, समोसे हों, रोल हों, फ्राई चीज़ें हों, या फिर टांग से कोई भी ऐसी चीज़ें हों बनी हुई जो मतलब के हैं, वो इस तरह की ये बड़े शौक से खाते हैं। खैर यहाँ पर जब बच्चों ने देखा हमारा लंच, तो लंच बहुत मज़े का था, और आते इनकी भूख जो थी ना वो दुगनी हो गई, और हादी तो उठ उठ के डाल रहा था चीज़ें वगैरह खुद ही, मैंने कहा खाएं चलें देखें मैंने टेबल लगाया हुआ है। तो खैर वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।